Good morning, children. My sixth class student, all are fine, all are doing well. I think prepare, you got your timetable. Prepare well. We will be sending the revisions. Today, I am going to tell you a story with from C reading that is Wilma Rudolph. Rudolph, PH is pronounced as F here. Okay, silent hai. F pronounced a Wilma Rudolph. Ek story hai, that is of athlete. Athlete kis the hai? Jo olympics mein part lete hai. गुड रनर बेस्ट रनर सो वेन शी वॉज फोर ईयर्स ओल्ड विल्मा वेन शी वॉज फोर ईयर्स ओल्ड शी वॉज पैरालाइज्ड यानी उसको पैरालिसिस अटैक गया था पैरालाइज्ड यानी उसके दोनों पैर गिर गए थे पोलियो से चाइल्ड हुड में फोर ईयर्स बोलते चाइल्डहुड रहता ओके okay? पोलियो से दोनों पैर उसके पैरालाइज्ड हो गए थे सो so, डॉक्टर जब लेकर गए उसको डॉक्टर को तो डॉक्टर बोले ये लाइफ में कभी चल नहीं सकती ओके okay? देन उनके हर मदर विल्माज मदर शी टोल्ड दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यानी अगर तुम कोशिश करे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो सो दिस गर्ल शी वॉन्टेड टू शो यानी शी वॉन्टेड टू डू दैट एंड प्रूव हर मदर दैट शी कैन डू एनी थिंग सो विल्मा शी वॉन्टेड टू बिकम द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड सो अगेंस्ट द डॉक्टर एडवाइस डॉक्टर एडवाइस करने के बाद भी ये लड़की क्या करी शी बिगैन वॉकिंग वैन शी वॉज नाइन ईयर्स ओल्ड फोर ईयर्स में पैरालिस हुआ फिर उसके बाद धीरे धीरे शी स्टार्टेड वॉकिंग फ्राम नाइन ईयर्स ओल्ड एंड एंटर्ड हर फर्स्ट रेस जब वो तेरह साल की थी तब उसने फर्स्ट रनिंग रेस में पार्ट लिया था ओलंपिक्स में और वह फर्स्ट रेस उसने हार गया लेकिन फिर भी शी डिड नॉट गिव अप ओके देन वेन शी वॉज फिफ्टीन अगेन शी

एंड इन नाइनटीन सिक्सटी सी रीच द ओलम्पिक्स यानी वो इतना कोशिश कर, करे इतना वर्क हार्ट करें फिफ्टीन ईयर्स के बाद से तो नाइनटीन सिक्सटी में उसने ये ओलम्पिक्स में एंटर हुआ हो है होने के बाद शीज मैच्ड अगेंस्ट जुटा हिना हुवर लॉस्ट अ रेस यानि एक एथलीट uh, है हनेवा जुटा एंड वो सबसे फास्टेस्ट रनर ऑफ द वर्ल्ड थे और उसके साथ उनका मुकाबला था सो वॉट डिड विल्मा डू विल्मा शी तीन राउंड्स उसने फेस किया और तीनों राउंड में उसने जीता और शी वन द थ्री गोल्ड मेडल्स अगेंस्ट दिस गर्ल यानी जुटा के अगेंस्ट जब उसने रनिंग रेस किया उसने तीन गोल्ड मेडल्स जीता दैट वॉज द डे शी मेड हर ड्रीम कम ट्रू बाई बिकेमिंग द फास्टेस्ट वुमेन रनर ऑन द अर्थ ठीक है सो हर स्टोरी टीचर्स उसकी स्टोरी अपने को क्या uh, सीख देती है दैट इफ़ वी विल फाइंड अ वे टू डू इट नवर गिव अप इन द लाइफ यानी हमको ये नहीं हो सकता हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी नहीं ओके okay? दो वो दोनों हाथ पैरों से पैरला पैरालज थी वो लड़की लेकिन फिर भी उसने कोशिश किया एंड टुडे नाउ शी इज़ द फास्टेस्ट रनर ऑफ द वर्ल्ड सो एवरीबडी कैन डू वेर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे ओके जहाँ पर अपने को अपन कोशिश करते हैं रास्ता ख़ुद ब खुद बनते जाता है ठीक है सो ऑल हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी ओके गुड चिल्ड्रेन हैव अ नाइस डे थैंक यू